फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर। कैसा है ये सफर ये देखो दोस्तों, यहाँ से मैं इस जगह से मैं स्टार्ट करूँगा ट्रेल अपना, और यहाँ से जाके आपको पूरा ये जो सामने वाला पीछे का टावर देख रहे हो, ये वाला, इसको पीछे से घूम के मैं उस टावर के पीछे से ऐसे करता हुआ फिर इधर आऊँगा। ये लगभग 5-6 किलोमीटर आसपास होना चाहिए, पर देखते हैं। मेरे पास स्मार्ट वॉच है, उसमें काउंट हो जाएगा कि आज मैं कितना फर्स्ट एड ट्रेनिंग के कितने किलोमीटर में चला, फिर बाकी रास्ते में आपको इस ब्लॉग में दिखाता हूँ। फिर दोस्तों मैं हूँ अभी वॉकिंग पे, और लगभग कोशिश है कम से कम 5 किलोमीटर के आसपास आज वॉक कर जाऊँ। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ निकला है अभी, तो दोस्तों मैं बता दूँ, मैं अभी मेरा प्रोग्राम है एक लॉन्ग ट्रैक पे जाने का, लॉन्ग हाइकिंग पे, जो कि हंगटा पास है। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जब भी आप किसी ट्रेल पे निकल रहे हो तो लगभग 1 महीने पहले या हाफ मंथ पहले अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, ताकि आपकी इंड्योरेंस बढ़ पाए। इसीलिए मैं निकला हूँ, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास कर जाऊंगा आज, कोशिश है मेरी। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी एक लंबे ट्रेल पे निकलो तो दोस्तों आप कोशिश करो कि आप जितना अपने आप को उसमें ढाल सको ढाला करो, क्योंकि आप पर डे ऐसे वॉक पे निकलोगे ना तो आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी। और एक एक्सरसाइज मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो ट्रेल्स होते हैं उसमें आपको छोटे छोटे कदम रखने हैं, ना कि बड़े बड़े। तो उससे आप थकोगे कम और ज़्यादा दूर तक चल पाओगे, नहीं तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे ट्रेल्स पे, और वहाँ पे हर तरह का टेम्परेचर का आपको सामना करना पड़ेगा। तो रिकमेंडेड है कि आप स्लो चलो, छोटे छोटे कदम लो। और एक ट्रिक है, मतलब आप हर एक कदम पे, जैसे ही आप एक कदम बढ़ाते हो तो हर एक कदम पे एक इनहेल और दूसरे ही कदम पे एक्सहेल बाय माउथ। इनहेल आपको सांस लेना है आपको नोज से, और सांस छोड़ना है मुंह से, ठीक है, ऐसे। ऐसे करके आप चलोगे, आप एग्जॉस्ट नहीं होगे। तो यही छोटे मोटे ट्रिक हैं, बाकी आप रेगुलर वॉक्स पे जाया करो घर के आसपास। अगर आपको लंबा ट्रैक पे जाना है, हाइकिंग पे जाना है, तो 15 दिन पहले रिकमेंड करता हूँ, 15 दिन पहले आधे के महीने पहले आप जाया करो ऐसे ही छोटे वॉक पे, लगभग 5-6 किलोमीटर पर डे बढ़ाओ, पहले 2 किलोमीटर फिर अगले दिन 3 किलोमीटर, ऐसे करके बढ़ाओगे। जब ट्रेल्स में जाओगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी हमटा पास का ट्रेल करना है मुझे हाइकिंग, जो कि मॉडरेट टू इजी ट्रेक में आता है, बट बहुत इट्स नॉट इजी। आपको 35 किलोमीटर चलना है 5 डेज में, अपने ट्रेल पूरे करने हैं, और हर तरह का सिचुएशन सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 5 दिन अलग अलग आपको क्लाइमेट्स मिलेंगे, अलग अलग जगह पे की कैंपिंग होगी, और लास्ट में जो अप्रोच इंक्लाइन होगा वो काफ़ी ही ज़्यादा टफ है, स्नो पैच पे चलने आपको। और प्लस आपके पास बैकपैक होगा, बैकपैक, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देख कर करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रिपेयर करो अपने आप को। आगे चलो मैं दिखाता हूँ कितने किलोमीटर मैं चलता हूँ आज। पैरों को बांधे बेड़िया,
बता ऐसा कहानियां। तू रोशनी तू रंग है, तू उड़ रही पतंग है, बना है तू धरती का आसमान है। अब सोच रहे हो इतने धूप में क्यों निकला। देखो ये ट्रेनिंग का पार्ट है, आपको पर डे अलग अलग क्लाइमेट्स मिलेगा, तो आपको हर क्लाइमेट में अपने आप को ढालना है, आपको हर डे अपने आप को ढालना पड़ेगा चीजों में। तो प्रिपेयर करो, आज मैं धूप में निकला हूँ, अब जिस दिन बारिश आएगी मैं बारिश में भी निकलूंगा। तो हर क्लाइमेट का आपको, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो हर तरह का क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो कि इस तरह के क्वेश्चन आएगा, वैसे ही ट्रेल्स में होता है, आपको हर सिचुएशन के लिए अपने आपको पहले रेडी रखना है ताकि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। बस यही सब कुछ गाइडेंस है, बाकी आप जाया करो ऐसे वॉक पे, फिटनेस भी बढ़ेगी। थ्री किलोमीटर का वॉक हो चुका है अभी तक, बाकी तो चलो। और ऐसे सिचुएशन में जब आप निकल रहे हो ना, आपके पास पानी होना बहुत ज़रूरी है, पानी या ग्लूकोज या ओआरएस घोल अपने साथ रखा करो, सब मेन चीज़ें हैं जो आपको रखनी चाहिए, ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। और थोड़ी दूर के लिए धूप अभी गई है, बट कभी भी आ सकती है क्लाउड्स। और अभी बहुत लंबा जाना है अभी मुझे, अभी जहाँ ये टी पॉइंट आएगा वहाँ से कुछ मुझे लेफ़्ट हो जाना है, लेफ़्ट हो के फिर मैं एक सर्किल लगा रहा हूँ मैं पूरे सेक्टर का, इस एरिया का। साइकिलिंग भी लेके जाऊँगा आपको, बट साइकिल एक्चुअली पंक्चर हो रखा है, तो ठीक करा के फिर साइकिलिंग पे भी निकलेंगे अपने। कुछ सोसाइटी हैं इस सोसाइटी में, मेरा एक फ्रेंड रहता है, स्कूल फ्रेंड, बाकी है कुछ चीज़ें हैं। फिलहाल तो दोस्तों हमटा पास जो मैंने प्लान बनाया है, अभी तक तो मैं अकेला करता था, अकेला ट्रेल करता था, अकेला हाइक करता था, बट इस बार मैं एजेंसी के साथ जा रहा हूँ। वो एजेंसी का नाम है हिमालयन हाइकर्स, जिनकी टीम होती है, टेंट स्लीपिंग बैग्स सारा कुछ ये प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ चलेंगे आपके, और जहाँ जहाँ रात होगी वहाँ टेंट लगा लेंगे। तो ये प्लान है जो कि मैं 4 तारीख को निकलूँगा और ट्रेल मेरा 6 तारीख को होगा, बट अभी मैंने बुक नहीं करवाया है, करवा लूँगा। फिलहाल अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया और 5 डेज का ट्रेल होगा आपका इसमें हाइकिंग, बाकी 4 तारीख को मैं पहुँचूँगा ताकि इंक्रीमेंटाइज कर सकूँ। और एक वीडियो और आएगी जिसमें बताऊँगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉन्ग ट्रेक्स, लॉन्ग हाइकिंग और हाई एल्टीट्यूड हाइकिंग या हमटा पास ट्रैक के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है। बिल्कुल भी खाली पेट बिल्कुल ही मत निकला करो वॉक पे, ट्रैकिंग पे, बिकॉज इससे आपको चक्कर आ सकते हैं। आप कम से कम, जैसे मैं, मुझसे पूछोगे मैं क्या खा के निकला हूँ, तो मैं निकला हूँ पनीर खाया हूँ मैं थोड़ा बहुत, कच्चा पनीर और चने ये खा के मैं निकला हूँ। अब इसके बाद जाके मैं आराम से हैवी ब्रेकफास्ट जो भी होगा वो कर लूँगा, क्योंकि आप खा के निकलोगे ना आपका पेट दर्द होने लगेगा फिर। आप पहले अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत खाओ जितनी ज़रूरत हो, पानी पी के चलो, पानी ले के चलो, तो आपके लिए इजी होगा। बारिश के टाइम निकल रहे हो और आप कुछ गैजेट्स लेके निकल रहे हो तो पक्का रेन कवर या कुछ लेके चलो बैग के साथ।
दोस्तों मैंने एक कच्चा रास्ता ढूंढा है और इसको ढूंढ के उधर एक रोड है उस साइड मुझे जाऊंगा। अभी मैंने ये बिल्डिंग के पीछे से आया हूँ, मैं बिल्डिंग के पीछे से आया हूँ, अपने घर के साइड से चला था। अभी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास वॉक कर लिया हूँ। क्या आप बता सकते हो किस चीज़ का पेड़ है ये? मुझे तो ये गांजे का लग रहा है, ये बहुत होता है इस साइड, मैरुआना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना दोस्तों। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब ना बहुत मोटिवेट करता है फर्दर वीडियोस बनाने के लिए। मजा आ गया दोस्तों, ऐसे वॉक के बाद एक्सरसाइज के बाद जो फीलिंग आती है ना, अब इतना अंदर से रिफ्रेश फील करोगे मैं क्या ही बताऊं। आप आराम से आप घर पे जाके ब्रेकफास्ट लंच जो भी खाना है खाओ, और सबसे बड़ी बात मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं हमटा पास हाइकिंग का सोच रहा हूँ, एक तरह से मिशन की तरह लेता हूँ मैं इन सब चीज़ों को। बहुत मज़ा आता है दोस्तों, बस लगता है बस कुछ पा लिया। मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ दोस्त, क्या मस्त मौसम हो रखा है ना। ऐसे मौसम में वॉक करने का मज़ा जो है ना वो अलग ही है। भाई सब गाय है, ये सांड है, ये सींग देखो कितने बड़े हैं यार, ये मार ना दे, मैं अकेला ही हूँ यहाँ। सच बताऊँ डर तो लग रहा है इसकी, जितनी बड़ी सिंग है इसकी। देखो ये बर्ड्स भी बहुत प्यारी प्यारी है। मौसम तो एक नंबर हो रखा और वो रहा मेरी सुसाइड। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा हाइकिंग का प्लान है हमटा पास का, अभी तक तो अपना सोलो ही रहता है आप जानते हो, बाकी उस डेट तक मेरे साथ कोई अगर जुड़ गया साथ तो चल लेगा, वरना अपना सोलो तो है ही। सोलो में जो मज़ा है ना, आप अपने आप को ढूंढते हो, और वो चीज़ जो सिखाती है ना आपको एक्सपीरियंस से, वो कोई नहीं सिखा सकता, कोई किताब नहीं सिखा सकती आपको। तो बस वो करो, इसमें आपको अंदर से खुशी मिलती है। आप और कुछ चीज़ें होती है जो आपके लिए ही बनी हो, कितना आप रोक लोगे तब भी नहीं रोक पाओ दोस्तों। अभी एक और वीडियो आएगी आपके पास, मतलब इस मंथ के एंड में, जुलाई के एंड में, ये मैं उसमें बताऊंगा उस ब्लॉग में आपको कि आप जिसे हमटा पास हाइकिंग पे जा रहे हो तो क्या क्या सामान, क्या क्या ज़रूरत के सामान आप रख सकते हो, एसेंशियल्स क्या कुछ ज़रूरत पड़ेगा, और मस्ट मस्ट कैरी थिंग्स होंगे वो जो मैं ले जा रहा हूँ, मैं क्या क्या ले जाऊँगा अपने साथ इस हाइकिंग पे, जिसमें आपका वेट भी ज़्यादा ना होना चाहिए वरना आप थक जाओगे, क्योंकि बैग का वेट अगर ज़्यादा होगा तो। मैं बताऊँगा आपको बैग में क्या क्या रखना है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं दोस्तों। अगस्त में अब तक का सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि जिस एडवेंचर पे मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और क्या क्या सामान रखना है सारी चीज़ें बताऊँगा आप लोगों को। फिलहाल ये फर्स्ट अप्रोच था, फर्स्ट डे था जो हमटा पास के लिए जो मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं आपको चाहता कि दिखा दूँ कि आज से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है वहाँ के लिए। फिज़िकली अगर आप फिज़िकली अपने आप को, चाहे 2 किलोमीटर ही वॉक करो, अगर अपने आप फिज़िकली अपने आप को रखोगे तो मेंटल
ऑलरेडी सही हो जाएगा। तो एक बार मेंटल सही हो गया तो फिजिकल ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। असली ताकत यहाँ है दोस्तों, अगर इसने ठान लिया ना कि आप कर सकते हो तब कर लोगे। कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। और मैं घर आ चुका हूँ फाइनली एक रिफ्रेशिंग वॉक के बाद। और अब देखो बारिश भी हो गई स्टार्ट, क्या टाइमिंग है। तो दोस्तों आज लगभग मैंने 4 किलोमीटर कवर किया है, टारगेट तो 5 था बट चलो कोई नहीं, पहला दिन है, 4 किलोमीटर भी कम नहीं है। और धूप में निकला था और छाँव में वापस आया क्योंकि मेरे घर लौटते लौटते तो क्लाउड्स आते थे फिर से सनलाइट। तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट कराया अपना हमटा पास के लिए, टारगेट सोलो का ही है बट डेट आने पर अगर कोई साथ मेरे साथ जुड़ना चाहता हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। बाकी ट्रेनिंग जारी रखना है अभी कुछ दिनों तक जब तक चला ना जाऊँ, क्योंकि अब से ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ट्रेनिंग बेसिकली क्या चीज़ की होती है, वॉक तो आप करते हो बट द थिंग इज़ आपको अपना एंड्योरेंस बढ़ाना है। वो एक दिन के एक्सरसाइज में नहीं आएगी, आपको रेगुलर निकलना पड़ेगा। रेगुलर आप जाओगे तो आपका स्टेमिना, जैसे मैंने आज 4 किलोमीटर निकाला तो कल को मैं ये 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर बढ़ता जाएगा। और आप पहले दिन निकलोगे तो बेशक नो डाउट आपके पैर में क्रैम्प्स आ सकते हैं थोड़े बहुत, आप बहुत टाइम बाद निकल रहे हो, मेरे नहीं आया सच कुछ भी बट मैं आज जनरल बता रहा हूँ, क्रैम्प्स आ सकते हैं, बहुत थकावट सी लगेगी, लेजीनेस सा लगेगा या फिर पैर आपका भरा भरा सा लगेगा कि बहुत थक चुके हैं। फर्स्ट डे की बात है, आप दिन भी इतने दो, लगातार 2-3 दिन करो, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और आप खुद फील करोगे कि आप स्टेमिना बढ़ चुका है वॉकिंग में और आप इजी फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे ट्रैक्स को निकालने में। और ये ट्रैक आसान नहीं होने वाला है, 35 किलोमीटर्स का ट्रैक है जो कि 5 दिनों में कंप्लीट करना है। हमटा पास बहुत ही फेमस मानसून ट्रैक है, खतरा हर जगह होता है मौसम ख़राब होने का क्योंकि स्नो पैचेस भी आते हैं जहाँ पर आपको ये क्रैम्पॉन्स देंगे पहनने के लिए पैरों में, जैसे आप उस पर वॉक करोगे अगर पैर स्लिप करा तो आप नदी में भी जा सकते हो। हाँ थोड़ा बहुत खतरा रहता है हर चीज़ों में, बाकी कोई नहीं, आप मेरे साथ बने रहना, एडवेंचर पे बहुत मज़ा आएगा। चलो फिलहाल के लिए इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लविंग योर प्रोफेशन, बाय।